भी सोचेंगे, हर चीज कर सकेंगे। अगर कोई नशा छोड़ना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें अपने मन के ऊपर काबू होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आपका सिद्धार्थ दत्ता आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्द एक नशे के लिए, नशा मुक्ति के लिए और दिमाग को तेज करने के लिए कि आप जो भी सोचेंगे हर चीज कर सकेंगे उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सॉरी मैं कुछ लेट हो गया। तो दोस्तों आइए फिर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं या बहुत से लोग पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं कि सर हम शराब छोड़ना चाहते हैं, हम सिगरेट गुटखा छोड़ना चाहते हैं, तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। रोज सोचते हैं कि कल से नहीं यूज करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मार्केट में कई तरह के ऐसे च्युइंगम कह लो आ रहे हैं, कई तरह की ऐसी चीजें आ रही हैं कि आप ये यूज करें और स्मोकिंग बंद करें, टबैको बंद करें, लेकिन पूरी तरह लोग बंद नहीं करवाते। ज्यादातर कई लोगों को तो ये आदत पड़ी होती है कि सुबह मोशन जाने के लिए उन लोगों को सिगरेट या बीड़ी भी नहीं पड़ती है। कई लोग तो बाथरूम में बैठ के पीते हैं, वो तो खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि जो हम स्टूल पास करते हैं उसके अंदर जो गंदगी है, जो कीटाणु है, वो सब सांस के जरिए खुद अपने फेफड़ों में पहुंचाते हैं। एक तो हम रोड पे सड़क पे जो घूम रहे हैं मार्केट में, वो जो गंदगी या पॉल्यूशन से हमारे अंदर जा रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये तो हम खुद से अपने अंदर डाल रहे हैं, वो तो सबसे बड़ा जहर है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले, अगर कोई नशा छोड़ना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें अपने मन के ऊपर काबू होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना, यार मन नहीं मान रहा, यार मन कर रहा है, आज पी लेता हूं सिगरेट, कल से बंद कर दूंगा। ये मन ही तो है, अगर आप इसको काबू करना सीख लेंगे तो आप हर चीज कर सकेंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान सोचे और वो कर ना पाए, क्योंकि भगवान भी तभी हमारा साथ देते हैं जब हम अपने आप से कोई कोशिश करते हैं। अगर हम कोई कोशिश ही ना करें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो भगवान भी ऐसे सामने रोटी थाली में रखी है, तोड़ के तो आपको अपने आप मुंह में डालनी पड़ेगी ना। तो लोग दवाइयां पूछते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यहाँ कितने लोग आते हैं कि सर मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे से छूट नहीं रहा। अरे क्यों नहीं छूट रहा? आप अपने अंदर से अपने मन को इतना स्ट्रांग करो, एक कमिटमेंट करो अपने आप से कि हाँ मुझे नहीं लेना, मैं अब नशा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले एक हमारे आयुर्वेदा में कह सकते हैं, या डॉक्टर राजीव दीक्षित जी इसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके लिए आसन है एक, आप आलती पालती मार के बैठे जमीन पर, आप अपनी ये नाक की हमारी दोनों नाड़ियों को, इसको सूर्य नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, बाई नाड़ी को अपनी दाई नाक को बंद करके अपनी बाई नाक से ही, चंद्र नाड़ी से ही सांस लें और छोड़ें, सांस लें और छोड़ें। पहले सबसे पहले अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें, क्योंकि एक बार जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, आपके अंदर से सोचने की और कमिटमेंट को पूरा करने की शक्ति आपको अंदर से खुद से मिलेगी। सुबह उठें, अलोम विलोम करें, सैर करें, फ्रेश एयर अपने अंदर जाने दें, नाक से सांस लंबे लंबे खींचें, मुंह से छोड़ें। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आपके अंदर और भी कितनी सारी छोटी छोटी, हर इंसान के अगर आप टेस्ट कराओ तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हर इंसान के अंदर है, वो सब दूर हो सकती है।
तीसरा होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है वो आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में अगर आप चाहते हैं कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करनी है तो आप कच्ची अदरक लें या पकी हुई लें, कोई कच्ची ज्यादा इफेक्टिव है उसको लें, उसको बारीक बारीक काट के उसमें थोड़ा नींबू डाल के काला नमक डाल के उसको धूप में नहीं छांव में सुखा दें। जब वो अच्छे से सूख जाए वो टुकड़े अपनी जेब में रखें, वो आप अपने मुंह में डाल के जब आपका सिगरेट पीने का तंबाकू खाने का दिल करे आप मुंह में डालें, गुटखा खाने का दिल करे मुंह में डालें, आपका आप बहुत जल्दी, और ये चीज तो खाने से पहले ही, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसन करें, अलोम विलोम करें, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें, जितना हो सके आलती पालती मार के जमीन पे बैठें, अपनी चंद्र नाड़ी से ही सांस लें और छोड़ें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, उससे आपका मन मजबूत होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। बाकी नशा छोड़ने के लिए अंदर से अगर आप, बाकी होम्योपैथिक में मेडिसिन है, अंदर से अगर आप चाहते हैं कि हम छोड़ना है तो मेडिसिन तो कोई बाद में काम करेगी, पहले आपको अपने अंदर से कमिटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अंदर से कमिटमेंट करने के काबिल बन जाएंगे ना तो आप नशा बहुत आराम से छोड़ सकेंगे। होम्योपैथिक में इसी की एक मेडिसिन आती है सल्फर के नाम से, अगर आप वो भी यूज करें डेली सुबह शाम प्योर सल्फर अगर आप बॉटल लेके आए तो उसकी एक एक ड्रॉप सुबह शाम जीभ पे डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन किसी भी मेडिसिन को या किसी भी दवा को यूज करने से पहले आप अपने मन को पहले मजबूत करें, मन मजबूत होगा तभी कोई दवा या कोई आसन काम करेगा। मन मजबूत होने के लिए घूमें, सैर करें, अलोम विलोम करें और अपनी सोच अच्छी रखें। और जो लोग बाथरूम में बैठ के ये यूज कर रहे हैं, बार बार ये लाइन इसीलिए दोहरा रहा हूं कि कुछ लोग हैं ऐसे, मैं मेन उन्हीं के लिए बोल रहा हूं, वो पिछले एक हफ्ते से रोज मुझे फोन करके मेरे को पूछते हैं, तो वो अपने लिए बीमारी मौत खुद मांग रहे हैं, टीबी कैंसर बहुत जल्दी उनको अटैक कर सकता है, जिनमें से दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको चलते हुए भी सांस फूल रहा है। तो दोस्तों गौर करो, बाथरूम में इसका यूज नहीं करो, अगर आप बाथरूम में बैठ के बीड़ी सिगरेट पी रहे हो तो जहर पी रहे हो। और अगर आप चाहते हैं अपने माइंड को शार्प करना तो जो मैंने आपको आसन बताए हैं उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, आप सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। मेडिटेशन करें अगर आप कर सकते हैं तो, एकांत में बैठें आलती पालती मार के अपने दोनों हाथों को रख के ओम का उच्चारण करें जितना लंबा आप कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट करें अपने ऊपर, अपने माइंड में अपनी आंखें बंद करके हो सके तो अपने माथे के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करें। अभी मैं इससे ज्यादा डीप नहीं जा रहा क्योंकि अभी आप यही करने में आपको एक महीना लग जाएगा, कुछ लोग तो 6 महीने सोचने में लगा देंगे कि हम इसको शुरू कब करें, तो जब आप ये करना शुरू करेंगे ना तभी आपको फर्क पड़ेगा। फोन पे किसी डॉक्टर से या मेरे से किसी से भी बात करने से या कोई मेडिसिन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको अपने अंदर से कमिटमेंट करनी पड़ेगी। और बाकी माइंड को शार्प करने के लिए कई लोग बोलते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, अगर आप नींद की वजह से परेशान है तो देसी गाय का घी लें और अपनी नाभि में लगाएं और रात को सोने से पहले हाथ पैर धोएं अच्छे से, और बेड पे जब आप लेट जाएं तो जिस किसी को भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लें, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, नींद भी अच्छी आएगी। और अगर आप
राइटी हैं तो लेफ्ट से, लेफ्टी हैं तो राइट से लिखना। दिन में चाहे दो दो मिनट करके, दिन में आप 10 मिनट तक ये करें, धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएं। एक हफ्ता एक एक मिनट करके 5 मिनट कर लिया, फिर एक हफ्ता 10 पे आ जाओ, फिर एक हफ्ता 15 पे आ जाओ। जब आप, अगर आप राइटिंग हैं और वो लेफ्ट से काम अच्छे से करने लगेंगे ना, तब आपको खुद से महसूस होगा। महसूस तो आपको 7 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप राइटिंग हैं तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, और अगर आप लेफ्ट हैंड को भी यूज करेंगे सेम लिखने में, तो आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव होगा। दवाइयों से ज्यादा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, अच्छी चीजें खाएं रात को, और भी ज्यादा जिन लोगों को स्पर्म की प्रॉब्लम है या सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अश्वगंधा का सिरप पिए रात को, उससे भी नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, माइंड शार्प होगा। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अश्वगंधा के इतने फायदे हैं कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके लिए फिर कभी आपके लिए एक वीडियो बना के अलग से बताऊंगा। अश्वगंधा बहुत जबरदस्त चीज है, आप उसको यूज करें और उसका असर देखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।